अलैकुम, मेरा नाम खुज़ैमा है। मैंने किसी जगह पढ़ा था कि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की जानेब उठती है। मुझे बात समझ नहीं आई तो मैंने साइंस क्लब में जाके तजुर्बा किया और समझने की कोशिश की कि ये कैसे होता है। इस तजुर्बे को करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें कैंडल, 15x20 सेंटीमीटर का एक पेपर, एक नेल, सीज़र, मार्कर, लाइटर एंड थ्रेड। सबसे पहले हमें इस पेपर का स्क्वायर काटना होगा, तो उसके लिए हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका जो बाकी ये हिस्सा है इसको हम कटआउट कर दें। अब हमें मार्कर चाहिए होगा और हम मार्कर से इसके गिर्द एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। हमने स्नेल शेल का पैटर्न बनाना है इस पे, लाइक दिस। अब हमने इसको सीजर की मदद से लाइन पर कट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है जिनके कॉर्नर्स निकले हैं हमने इसको काट देना है। अब हमने इसको नेल की मदद से इसके मिडल में सुराख करना है। अगर आप चाहते हैं तो ये इजी हो तो आप ये भी कर सकते हैं, मार्कर लेके उसकी टिप से इसके ऊपर यहाँ डॉट डाल, देन यू कैन पास द नीडल इजीली। हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब देख रहे हैं कि ये गोल नहीं घूम रहा, अब हम जब कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे तो ये गोल गोल घूमेगा। देखें अब ये घूम नहीं रहा ना। आप ये देख सकते हैं कि हमारा स्पाइरल गोल गोल घूम रहा है। अब जैसे ही मैंने यहाँ हटाया नहीं घूम रहा, अब जैसे ही हमने इसको यहाँ देखा तो घूमने लगता। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हरकत क्यों नहीं कर रहा और यहाँ मोमबत्ती के ऊपर हरकत क्यों कर रहा है। तो मोमबत्ती के ऊपर ये हरकत इसलिए करता है कि जब मोमबत्ती अपने आसपास की हवा को गर्म करती है और गर्म हवा ऊपर की जानिब जाती है तो वो इस स्पाइरल से टकरा के स्पाइरल को स्पिन करती है। आपके ध्यान में एक और सवाल आया होगा कि पेपर स्पाइरल क्यों घूमता है। इसकी वजह ये है कि अपने एंगल्स की वजह से घूमता है। सिंपल सी बात है कि जैसे विंटर बाइन काम करता है, उसके जब टेढ़े ब्लेड्स होते हैं जब हवा उस पर टकराती है तो रोटेट करना शुरू कर जाता है। ऐसे इसके ब्लेड नहीं है लेकिन इसकी शेप की वजह से, टिल्ट शेप की वजह से, कर्व शेप की वजह से इसके ऊपर जब हवा टकराती है तो ये रोटेट करना शुरू कर जाता है। उम्मीद है आपको मेरा तजुर्बा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो पाकिस्तान साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। आपके सवाल में एक जहन आ रहा होगा, आपके जहन में एक सवाल और आप देख सकते हैं कि पता नहीं क्या बोलना है।